सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव के सांडू व पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता और आईएएस ने अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोपों के साथ छोड़ी सपा और कर रहे हैं ज्वाइन बीजेपी। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव के सांडू ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को कैद किया हुआ है। अब ये समाजवाद पार्टी नहीं, कब्जाधारियों गुंडों की पार्टी। और सर, आज आपकी काफी चर्चा है कि आप समाजवादी पार्टी छोड़कर आप जो है भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, क्या सच्चाई है? सच्चाई है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी को अखिलेश जी ने बहुत प्रताड़ित किया। हम लोग अंदर से बहुत दुखी है। समाजवादी विचारधारा इतने लोग थे, अखिलेश जी ने सबको किनारा कर दिया और गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियाँ देते हैं उनको तरजीह दी जा रही है। जुआ खिलाने वालों को, सट्टा कराने वाले को, कब्जा कराने वाले को पार्टी में प्रवेश कराया जा रहा है, तो ऐसे समाजवादी पार्टी की विचारधारा कहाँ जाएगी? सर, काफ़ी लंबा समय आपने समाजवादी पार्टी में गुजारा है, उसके बाद काफ़ी आप मुलायम सिंह के करीबी हैं, शिवपाल जी के करीबी हैं, उसके बाद क्या आपने नेताजी से बात की थी? नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने, वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो भी मिलने जाता है कि नेताजी सो रहे हैं, तो आज उनकी पोजीशन बहुत ही ख़राब है। और ये सब घरेलू आंसू बहा रहे हैं, अखिलेश जी उनको कार्यालय में ले जाते हैं और फिर अपने साथ ही ले जाते हैं। 22 तारीख को जन्मदिन पर किस तरह उनका माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया कायदे से, तो यही सारी हरकतें चल रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी कब आप ज्वाइन कर रहे हैं? आज 12 बजे माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का जो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं।